हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा संचय ब्लॉग। और गाइस, आज छत पे आकर ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ क्योंकि नीचे बहुत ठंड टाइप का था, तो मैं थोड़ा सा छत पे आई थी। और सुबह का टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 10, और 10 बजे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ धूप है और अच्छा भी लग रहा है धूप। तो यहाँ पे मैं कल का कपड़ा डाली थी, शाम में धोई थी, तो मैं सोची थी थोड़ा सा इसे उलट पलट कर। तो गाइस देखिए, कल का कपड़ा डाली थी और शाम में डाली थी, तो शाम में थोड़ा सा वो सूखा नहीं था, तो मैं सोची थोड़ा सा धूप लग जाए। और धूप मतलब तेज़ धूप है, बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप। अभी घर का पूरा काम बाकी है, बस बर्तन मैं धो ली हूँ और नीचे चलूँगी तो सारा काम वाम करूँगी। सारा काम वाम करना है, और सारा क्या मतलब कपड़ा धोना है और घर की सफाई करना है, बाकी तो बर्तन वर्तन धो ली हूँ। तो अब नीचे चलती हूँ क्योंकि काम भी पड़ा है, फिर नहा वहाँ कर फिर आऊँगी छत पर। तो गाइस, अभी किसी का कॉल आ गया था तो इसके वजह से मैं वीडियो पॉज कर दी थी। और अभी देखिए नीचे आ गई हूँ और सारा बर्तन वर्तन तो धो दी, अब थोड़ा सा सफाई करूँगी गैस वैस का सारा धो के रख दी हूँ। अब थोड़ा सा रूम को साफ़ करूँगी और रूम को साफ करके फिर कपड़े भी निकाली हूँ धोने के लिए, मिस्टर कुमार का कपड़ा है। और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग से। तो गाइस, शाम का समय हो गया है, तो देखिए यहाँ पे मैं दिया जला दी हूँ मंदिर में। देखिए मंदिर में दिया जला दी हूँ और गई थी मैं सब्जी लाने, इधर मैं बना रही हूँ चाय। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बना रही हूँ चाय और मैं गई थी सब्जी लाने, तो सब्जी में मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे ये दूध लेकर आई हूँ, और ये है पालक, पालक और यहाँ गाजर है और गोभी, टमाटर, यही सब लेकर आई हूँ। टमाटर तो बहुत महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, किसान आंदोलन, तो टमाटर महंगा हो गया। देखिए 50 रुपये किलो, तो मैं आधा ही केजी ली थी क्योंकि मेरे पास अभी टमाटर है ये देखिए। तो गाइस मेरे पास अभी इतना टमाटर था, तो मैं आधा केजी ले ली हूँ और अभी ले लूँगी क्योंकि महंगा हो जाएगा फिर टमाटर। ये आधा केजी ये है, हमको लग रहा है आधा केजी तो ये भी होगा, ही बड़ा बड़ा टमाटर है, तो अभी और टमाटर ले लूँगी क्योंकि फिर महंगा होने वाला, किसान आंदोलन चल रहा है ना। और इधर मटर और गोभी और क्या है, आलू प्याज लाइन, ज़्यादा सब्जी नहीं लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज है, इधर है आलू भालू। तो गाइस चलती हूँ अब सारा कुछ रखने, और मैं एक सामान ली थी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था लेने को, ले ली हूँ। और ये है वो तेल वाला, जैसे तेल ना, जैसे ये सरसों का तेल होता है ना, तो उसमें रखती थी मैं,
प्लास्टिक का, तो ये स्टील का मैं ले ली हूँ। इसमें हेयर तेल रखी हूँ, तो इसको ऐसे करके मारेंगे। तो स्टील का है, बहुत दिन से मन कर रहा था मेरा लेने का, तो नहीं ले पा रही थी क्योंकि सामान बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया है सामान, तो इसके वजह से मैं नहीं ले रही थी। और ये मैं ली हूँ रिफाइंड, ये भी तेल वाला ही है, तो मैं सोची कि उसमें सरसों का तेल रखूँगी, इसमें रिफाइंड ऑयल रखूँगी। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा में है, तो सरसों का तेल रिफाइंड ऑयल हो जाएगा इसमें। और इसमें भी देखिए ये है ऐसे ढारने वाला, ये भी अच्छा लग रहा। और इसमें सबसे अच्छा लग रहा था ना ये, देखिए यहाँ पे फूल टाइप का दिया है, देखिए यहाँ पे फूल बना दिया है, बना हुआ है। और इसमें नहीं है लेकिन अब ले लिए तो क्या करें, फिर मेरा मन करता है इसको रिटर्न करके दूसरा लेने का, तो फिर बोले कि क्या बार बार अच्छा नहीं लगता है, तो ले लिए हैं ये। और ये भी अच्छा है, बस इसमें फूल टाइप का नहीं है, फूल रहता तो और भी अच्छा लगता, तभी उधर रखूँगी, क्योंकि वो ना प्लास्टिक का था तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, अभी ये है तो सही लग रहा है। किचन में ऐसा सामान रहता तो अच्छा लगता है। तो यही सब है, और ना गाइस क्या बताएं, क्योंकि मुझे ना रूम भी चेंज करना है, क्योंकि एक रूम में ना नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन हो गया है कि रूम चेंज करना है, लेकिन रूम मिल नहीं रहा है सही ढंग का, रूम नहीं मिल रहा है, सामान इतना सारा काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है धीरे धीरे करके, इसलिए मैं कुछ भी अभी नहीं ले रही हूँ, कुछ भी नहीं ले रही हूँ कि सामान मतलब हटाने उठाने में बहुत दिक्कत होता है। और गाइस यही है कि रूम चेंज करना है, क्योंकि एक कमरे में नहीं हो पाता है, वीडियो भी शूट करना होता है, मिस्टर कुमार का भी काम होता है, और इसमें खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है, रूम भी नहीं मिल रहा है जल्दी, मतलब मिल रहा है लेकिन अच्छे लोकेशन पे नहीं मिल रहा है। अभी मैं जहाँ पे हूँ बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे नीचे में सारा कुछ ही मिल जाता है, सब्जी का बगल ही में है सब्जी का, फिर नीचे में मतलब सारा कुछ मिल जाता है, दूध वूध और मेडिकल स्टोर भी है, पार्लर भी है, मतलब पूरा कुछ है, टेलर भी है यहाँ पे, पूरा एकदम मतलब हर चीज़ नीचे में है। अगर कुछ भी कपड़ा का भी शॉप है तो नीचे में ही है, अगर जल्दबाजी में लेना होता है तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं बगल से ही, लेकिन अब अच्छे लोकेशन पे मिल नहीं रहा है कमरा, और कमरा खाली करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक कमरे में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग सामान कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और सामान क्या लेना है, सारा कुछ तो है ही, लेकिन और भी जो भी कुछ था बाकी तो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि फिर सामान वही होगा हटाने में, ले जाने में, वहाँ शिफ्ट यहाँ से ले जाना, फिर वहाँ शिफ्ट करना, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, इसलिए थोड़ा सा भी परेशानी चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी बताइएगा, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा तो मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए गाइस अब सब्जी धोकर मैं रख देती हूँ, और खाना भी बनाऊँगी, क्योंकि मिस्टर कुमार आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है, थोड़ा काम रहता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी अब खाना बना लेती हूँ। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।